ये मेरा पहला जी रिश्ते अवार्ड है, एज मोहन पहला जी रिश्ते अवार्ड है। मेरे ख्याल से छठवा या सातवा। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि सारे जो मेंबर्स हैं अलग अलग शो के, सभी लोग यहाँ पर आए हैं, तो खुशी की बात है। सबके साथ बहुत कम वक्त मिलता है ऐसे, सब जब साथ में होते हैं एंजॉय करेंगे सब साथ में, और जाहिर सी बात है नॉमिनेशन का अनाउंसमेंट होगा तब सब लोग एक दूसरे की सपोर्ट भी करेंगे। मुझे कोई आइडिया नहीं क्योंकि ये पहला साल है राधा मोहन के साथ, तो जो भी होगा सरप्राइज होगी। थैंक यू। शरण दो जाना, इन तीनों को उसको स्पेसिफिकली चाहिए कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लगता है और हमारा दूसरा साल है और हम बहुत खुश हैं कि हम दूसरे साल तक पहुंच पाए और होपफुली 10 साल तक पहुंचेंगे आराम से. बहुत आराम से. आ रही है तू? मेरी जान तुम सामने आ जाओ यार, ये ना कॉन्वर्सेशन बड़ी अजीब हो जाएगी. तुम वहां से पूछोगे हम जवाब उधर देंगे. बहुत खुशी है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं और जी कुटुंब में मैं पहले का भी हिस्सा रहा हूं और अब मीत के साथ ये दूसरा जी रिश्ते अवार्ड्स है और बहुत खुश है. आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और ऐसे ही प्यार देते रहिए. और अवार्ड्स की डेफिनेशन हमारे लिए, हम पूरा साल बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारे लाइफ जर्नी एक कैरेक्टर की जर्नी के साथ गुजरते हैं और उस पर गुजरने के बाद जब आप लोग हमें मिलते हैं और हमें रिकॉग्नाइज करते हैं हमारी परफॉर्मेंस के लिए या हमारी मेहनत के लिए, जो प्यार आप हमें देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो हम आए आपसे प्यार लेने और होप करते हैं कि मीत सारा प्यार ले जाएगा, है ना? बिल्कुल. एक्चुअली हम बहुत मेहनत करते हैं ऑफकोर्स और आपको एंटरटेन करने के लिए करते हैं और जब हमें भी रिटर्न में उतना ही प्यार मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है और हम बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं इस चीज़ के लिए कि हमें हमेशा इतना प्यार मिलता है. लास्ट ईयर हम पे प्यार बरसाया गया था और इस बार हम पूरी उम्मीद करते हैं कि उतना ही प्यार बरसाया जाए. और प्यार तो आप लोग करते हैं उसमें तो मतलब कोई डाउट है ही नहीं. बाकी यहाँ आकर बहुत बहुत खुशी महसूस होती है क्योंकि जब हम शूट करते हैं तो हम उन्हीं 100-150 लोगों के साथ होते हैं हमेशा और यहाँ आकर हम अलग लोगों से मिलते हैं, अलग चीज़ें पता चलती हैं, देन पता चलता है कि ओके हमें पता होता है कि आप हमें प्यार करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं और आप लोग ऐसे घेर के हमें इतना सारा प्यार देते हैं तो कह रहे अच्छा, फिर हमें मोटिवेशन मिलती है और हम जाके और मेहनत करेंगे और फिर अगले साल जी कुटुंब दोबारा जब हिस्सा हम आएंगे यहाँ पर और आप लोग से और ढेर सारा प्यार और ढेर सारा रिकॉग्निशन लेकर जाएंगे. Thank you so much. एक साथ जी रिश्ते अवार्ड्स में आना एज मतलब अ फैमिली परिवार के जैसे पूरा अपना पूरा टीम पूरे परिवार के साथ आना एक साथ बहुत मजे करेंगे. सो आई एम रियली एक्साइटेड, बहुत खुश हूँ. और जी रिश्ते अवार्ड्स में मैं लास्ट टाइम भी आया था और ये दिस इज़ लाइक अ होम टर्फ फॉर मी और मेरा फैमिली जैसा रिश्ता है यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे. Um
कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जी टी वी. इतना 30 years, इट्स लाइक अ बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है 30 साल. तो इसलिए मैं बस कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी एंड थैंक यू जी टी वी फॉर गिविंग अस मिठाई एंड द एंटायर टीम गिविंग अस मिठाई एंड सिद्धार्थ. बस जस्ट हैप्पी एंड थैंकफुल. कॉन्ग्रेचुलेशंस. एक्चुअली मैं अपने चाइल्डहुड से अगर सबसे पहला चैनल मैंने कोई सुना तो जी टी वी एंड टुडे आई एम वर्किंग विद देम. इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि मुझे जी टी वी ने ये मौका दिया सिद्धार्थ प्ले करने का. जवाब दो. थैंक यू. आप लोग मुझे हमेशा यही कहते हैं कि मैं बेहद खूबसूरत लग रही हूँ. थैंक यू वेरी मच एंड एक्सक्यूज मी फॉर माय वॉइस, क्योंकि मैं गौरी हूँ ना, मैं चीखती चिल्लाती हूँ, लड़ाई झगड़े बहुत करती हूँ, इसलिए आवाज़ बैठ गई है. लुक गौरी है, बस यही कहूँगी. अब ये कामया नहीं, ये गौरी है. अब फिर पूछ, बताओ मुझे. बहुत आवाज़ हो रही है, थोड़ा जोर से बोलो ना. अभी तो लॉन्च है हमारा और अच्छा लगता है. बस उम्मीद करती हूँ कि जो प्यार शुरू हो चुका है वो आगे बरकरार हो और बस हम ऑडियंस को एंटरटेन करते रहे और आप लोग ऐसे ही हमें प्यार देते रहें. यस सॉरी. पहले रूही चतुर्वेदी को कोई नहीं जानता था, अब रूही चतुर्वेदी शर्लिन को हर एक इंसान जानता है एंड दैट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ कुंडली भाग्य, बिकॉज ऑफ जी टी वी, बिकॉज ऑफ बालाजी. वॉट एवर आई एम टूडे इज बिकॉज ऑफ कुंडली एंड आई एम थैंकफुल. यार मुझे तो अब ये नहीं पता कि मैं नॉमिनेटेड हूँ कि नहीं हूँ, बट इट्स अ वेरी गुड फीलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पार्टी बिकॉज देन ऑफ द सेट यू ट्राई टू मीट योर फ्रेंड्स एंड अदर कलीग्स. सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. आप लोगों ने इतना प्यार दिया इतने सालों तक हमें. मैं यही चाहती हूँ, यही प्रे करती हूँ, यही विश करती हूँ कि आप हमेशा इतना ही प्यार कुंडली भाग्य को और शर्लिन को प्यार करें, नफरत करें बट कुंडली भाग्य देखते रहें एंड जी को उतना ही प्यार देते रहें. थैंक यू. Thank you.
आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग देर विल बी लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ धमाकाज एज यूजुअल. एंड लास्ट टाइम दैट वाज माय फर्स्ट टाइम एंड दिस इज माय सेकंड जी रिश्ते अवार्ड्स. लास्ट टाइम आई अवॉर्डेड एज बेस्ट विलन अवार्ड, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट दिस टाइम टू. Okay, so my outfit is like a green color gown, it's shining. So what defines is I also shine like my attire. Sorry. हमारे शो को शुरू से ही बहुत ज़्यादा प्यार दिया है दर्शकों ने और हम प्रॉमिस करते हैं कि ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे. लॉट ऑफ धमाकाज, लॉट ऑफ ट्विस्ट आर कमिंग. और ऑफकोर्स अभी जो मानुषी एक बहुत बड़ी विलन थी शो की, अभी उसके कैरेक्टर में भी बहुत चेंजेस आने वाले हैं. ऑडियंस के लिए, मेरे फैंस के लिए बहुत सरप्राइजेज आर ऑन द वे, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट दैट. थैंक यू. Thank you.
excited and we are waiting कि आप सबको वो अच्छा लगे और अच्छी so we all are very excited and we all are waiting कि आपको कल अच्छा लगेगा and we'll get all the best wishes and good news. Good news कौन सी episode? चलो thank you. So since it's my first award show and my first show on ZTV as a lead, so I'm really very excited and I'm really looking forward. Aur Shabbi sir ke sath performance hai aur kya kya hai, so I'm bahut zyada excited. So let's see kya hota hai. Okay, happy birthday. और आई एम रियली हैप्पी कि उनके 30th बर्थडे पे मैं जी टी वी का एक पार्ट हूँ. तो आई एम रियली फीलिंग हैप्पी. मैं कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रही हूँ क्योंकि आई थिंक मेरे बाकी बिहारी जी जो हैं वो मुझे मेरे एक्सपेक्टेशंस अगर मैं रखती उससे भी ज़्यादा देते. तो मैं एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखती हूँ, सब उन्हीं पर छोड़ देती हूँ, जो होगा वही देख लेंगे. थैंक यू सो मच. Hi. Yeah, I guess yes. मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली जी रिश्ते में आने की. जहाँ तक मेरी फेंट मेमोरी है, मैं नहीं आया हूँ जी रिश्ते में पहले, और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर.
और मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे सारी कैसी सारी चीज़ें होती हैं, सो आई विल डिस्कवर इट टुडे एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग अ जी शो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. मैं एक्चुअली कोई भी कैटेगरी के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव जस्ट जॉइंड जी टी वी एंड दिस शो हैज बीन आई एम डूइंग दिस शो सिंस ओनली 2.5 months आई गेस, सो आई डोंट थिंक सो आई एम एलिजिबल फॉर अ नॉमिनेशन बट लेट्स सी. आई थिंक जी टी वी इज अ पायनियर इन मेकिंग टी वी शोज एंड यू नो मुझे याद है जब बचपन में स्कूल से आके हम लोग जी टी वी देखते थे क्योंकि जी टी वी ही हुआ करता था और कोई चैनल ही नहीं होता था और एक जी हॉरर शो आता था आई यूज़ टू वॉच दैट शो अलॉट. सो देर आर मैनी आइकॉनिक शोज ऑन जी लाइक हम पांच एंड अदर शोज जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और जो मेरे बचपन की यादों से जुड़े हुए हैं. सो या आई थिंक जी के लिए एक स्पेशल कॉर्नर है मेरे हाथ में. थैंक यू सो मच. क्या लास्ट क्वेश्चन? अभी जर्नी के लिए तो मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि सिर्फ 2.5 महीने हुए हैं मुझे जर्नी के लिए, बट आई एम क्वाइट हैप्पी कि ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया क्योंकि इट्स क्वाइट चैलेंजिंग टू यू नो एंटर समवन एल्सेस शूज, बट द ट्रांजिशन वॉज स्मूथ एंड पीपल एक्सेप्टेड इट एंड पीपल आर वॉचिंग इट, सो आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड. क्या क्या फ्रैंकली स्पीकिंग आई वॉज नॉट रियली कम्फर्टेबल टू डू एन ऑन गोइंग शो. कोई भी अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आती थी तो मैं मना कर देता था अप फ्रंट, लेकिन ये बालाजी था और प्लस ये शो काफ़ी टाइम से चल रहा था और काफ़ी लोग देख भी रहे थे शो के बारे में और मैंने काफ़ी कुछ सुना भी था, ऑल्दो मैंने कभी देखा नहीं था पर्सनली, बट जब मुझे अपॉर्चुनिटी आई और जब मुझे ये कैरेक्टर मैंने सुना तब मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि अब इस कैरेक्टर में बहुत कुछ है करने को. और बहुत कम ऐसे मेल एक्टर्स होते हैं जो जिनको जस्टिस मिल पाता है टेलीविजन पे, सो आई थिंक आई वाज अ लकी वन कि मुझे यहाँ पे वो जस्टिस मिल पा रहा है. थैंक यू सो मच. आज की शाम अच्छी है, खूबसूरत है. जी रिश्ते अवार्ड्स हैं, रिश्ते इतने पुराने हैं जी के साथ, तो मुझे लगता है जो नए रिश्ते भी जुड़े हैं उनको भी मौका मिलता है अपना टैलेंट दिखाने का और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, बहुत अच्छा चैनल है ये, तो उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा इन अवार्ड से. सो आई विश देम ऑल द बेस्ट. लेडीज फर्स्ट. जी टी वी में ये मेरा पहला शो है और मुझे लगता है ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने अच्छे शो के साथ ये मौका मिला कि मैं जी टी वी पर आऊँ. सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक द यूनिवर्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. हम बहुत सारी मस्ती एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे अवार्ड जीतेंगे. कुमकुम भाग्य आई होप सो. एंड फॉर मी इट्स अ होम कमिंग ऑफ सॉर्ट्स फॉर ऑन जी. मेरे करियर की शुरुआत जी के साथ हुई विद रिपिक पुरे, सो आई फील वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम बैक टू द जी फैमिली. Yeah.
मामला बढ़िया हो गया, बढ़िया मामला हो गया। हेलो कैसे चल रहा है सर? सर लोग कैसे हैं? ठीक है सर। वैसे तो ये शादी हुई ना, पुराने शो के टाइम पे भी होने वाली है। हां यानी उंदी हूं मैं, बोलूं क्या हो गया? कहाँ गए सब लोग? ये कृष्णा है क्या? बलिंदर है ये? बहुत सारे पता कोई नंबर वन। ओके सो ऐसे कोई मतलब एक्सपेक्टेशन है? बहुत है। बस हम खुश हैं, हमें ज्यादा मिलने चाहिए। वही कह रहा हूँ यार, सबको मिलेगा तो हमें ज्यादा ही मिलेंगे। नहीं पता नहीं कितने मिलेंगे, बट लाइक लास्ट टाइम जैसे काफी अच्छा रहा था हमारा ZR, इस साल और अच्छा होना चाहिए। इस साल इवन बेटर, वी आर होपिंग। जो पिछली बार एक दो अवार्ड इधर उधर चले गए थे वो भी इस बार खुल गया है। खुल गया है थर्ड, हमारा भाग्य 3 अगस्त 2021 को खुला था और अभी तक अब तो ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है बस भाग्य। और सारे अवार्ड जो बचे हैं उधर कहाँ चला गया? निकेट रहा तभी तो बोले हमारा नुकसान हो जाएगा। ऑल राइट थैंक यू। ओए मैं लक्ष्मी के ही लुक में आई हूँ और मेरी जो डिज़ाइनर है तृप्ति हमारे शो की, उन्होंने मुझे बहुत ही सुंदर सिंपल लक्ष्मी लुक की साड़ी दी है। तो आप लोगों को जैसी मैं पसंद हूँ सिंपल सोबर, वैसी ही लक्ष्मी देखने को मिलेगी सबको इस लुक। हाँ अमन चल तू मेरे साथ चल, एक तो अपने ये ओवरऑल से कोई है ही नहीं, हम लोग फोटो भी आते हैं। फोटो चल 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 बाय बाय। या मैं आपको कॉल करूँ? से भी बोलेगी तो चलेगा। हाँ बोलो बोलो दोबारा।
जी टी वी के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है. पहला एक्सपीरियंस कुमकुम था, दूसरा राबता और तीसरा अब संजोग. एंड पास्ट में एक्सपीरियंस अच्छा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों शोज अपनी जगह पे बहुत अच्छा किए. एंड आई होप विद दैट लव, विद दैट पॉजिटिविटी संजोग भी अच्छा करे और मिले यार खूब सारा प्यार शो को भी और चैनल को. जेड आर ए के लिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जी के सारे आर्टिस्ट को एक साथ लाते हैं तो बहुत एक्साइटिंग होता है बिकॉज सारे शोज से लोग आते हैं, काफ़ी अच्छा माहौल बन जाता है और काफ़ी कुछ शेयर करने को मिलता है, एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छी कॉन्वर्जेशन होती हैं और मतलब फेस्टिवल की तरह है तो खूब मज़ा आता है. और जेड आर ए के लिए एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, 30 साल हो गए जी को, दूसरा ऐसे खूब सारे साल आए. और जेड आर ए के लिए आई थिंक रिश्तों के बारे में है इसीलिए जी रिश्ते अवार्ड्स है तो आई थिंक नाम ही काफ़ी कुछ कह जाता है. मैं अपनी लुक के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये एक राजस्थानी सिंपल लुक है जो मेरा संजोग में लुक है जो कि नया शो है हमारा, तो ये है कुछ उसका थोड़ा एक झलक. आई होप आपको अच्छा लगा और आई होप आपको शो इससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो बस यही है मेरे लुक के बारे में, कंफर्टेबल है, ब्रीजी है और काफ़ी मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, तो बस यही है. थैंक यू. Grateful to God that I have been a part of such a big show. So I consider myself to be blessed and it's been a wonderful journey and it's my bhagya to be in Kundli Bhagya. I wish ZTV all the very best. Bhagwan kare unhe aur barkati mile. And may they prosper and may they become the number one in India. That's what I can say. Thank you so much. Thank you.
सेलिब्रेशन तो दुगना बनता है क्योंकि 30 साल हो गए हैं और बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा इसलिए यू नो इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन है इस साल बिकॉज 30 ईयर्स कम्प्लीट हुआ है, ये मुझे पता नहीं था। थैंक यू सो मच आपने बताया एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू गो इनसाइड एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। टुडे इन ज़ेनारे हमें तो थीम के लिए ग्रे, सो आई हैव टोल्ड माय स्टाइलिस्ट कि कुछ अच्छा लाइक यू नो गाउन वगैरह और एनीथिंग इंडो वेस्टर्न, तो वी आर जस्ट प्रेपिंग फॉर दैट। या कुंडली भाग्य को 5 साल कंप्लीट पूरे हो चुके हैं और 6वां साल लगा है एंड आई होप हम अपने दर्शकों को आज भी उतना ही एंटरटेन कर रहे हैं जितना हमने 5 सालों से किया है। आई जस्ट विश के हम आपको डिसपॉइंट ना करें और ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करते रहें। आपका प्यार प्लीज़ बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यार सबसे बड़ा व्यूअर मैं हूँ जी टी वी का। हम जी टी वी देख देख के बड़े हुए हैं और सिर्फ देख देख के बड़े नहीं हुए, हमारा करियर भी बना है जी टी वी में, तो हमारे से बड़ा ऑडियंस कौन होगा। हम लोग इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, Z5 पे, जी न्यूज़ पे, सब जगह Z5 देखते हैं। तो आई थिंक अब्रॉड भी जाते हैं तो भी हमको लगता है यार आपने हमको कहीं देखा था, आपको जी टी वी के शो में आते हैं तो लोगों को इन अब्रॉड पीपल माइट नॉट नो अबाउट यू नो द नेम ऑफ द शो बट यू नो आप जी टी वी के शो में आते हैं, तो आई थिंक हम लोग जी टी वी के सबसे बड़े ऑडियंस हैं। और हमको नहीं भी समझ में आता तो हम लोग बोलते हैं हाँ जी टी वी के शो में देखा होगा। सो इट्स ऑलवेज यू नो ना फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ जी टी वी शो, इट्स अ प्रिविलेज। जी टी वी इज लाइक अ होम, इट्स लाइक अ होम। पानी पिलाओ यार पहले इसको। एक अवार्ड, थोड़े से पैसे, मजाक कर रहा हूँ यार। एक अच्छा सा गेट टुगेदर, अ ग्रेट यू नो पुटिंग अप अ ग्रेट शो, एंटरटेनिंग एवरीवन, एंटरटेनिंग ऑल द मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ व्यूअर्स अराउंड द ग्लोब, डांसिंग अ लिटिल, शेकिंग द लेग, ब्रेकिंग द मोनोटोनस रूटीन फ्रॉम द शोज बिकॉज अदरवाइज 9 to 9 करते करते वी ऑल गेट टायर्ड। सो जस्ट making a you know looking forward to some great act, some good awards, and yeah, that's about it. Sorry, अरे भाई तानाशाही ना हो इसी के पैसे मिले हैं मुझे, तो तानाशाही बिल्कुल नहीं है, मैं गुड बॉय हूँ यार इन रियल लाइफ एंड ऑफ स्क्रीन ऑल्सो, सो देर इज नथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक तानाशाही नहीं है, प्यार है। आई विश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता, मैं बड़ा भाई हूँ तो मुझे मालूम है, इट्स नॉट अ तानाशाही, इट्स लाइक ब्रो तू टेंशन मत ले, मैं हूँ। मोस्ट वेलकम। थैंक यू।